स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। नाग अश्विन द्वारा लिखित और निर्देशित प्रभास की लेटेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक महीना हो गया है और ये अब भी करोड़ों में कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ फिल्म ने साल 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। फिलहाल कल्कि 2898 एडी की कमाई की रफ्तार पर अभी ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ जानते हैं कल्कि 2898 एडी ने रिलीज के 30वें दिन कितना कलेक्शन किया है। कल्कि 2898 एडी 27 जून को 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, कल्कि 2898 एडी ने बड़े बजट और सितारों से सजी फिल्मों के लिए नए बेंचमार्क भी सेट कर दिए हैं। वहीं फिल्म की कमाई की बात करें तो कल्कि 2898 एडी ने रिलीज के पहले हफ्ते में 414.85 करोड़, दूसरे हफ्ते में 128.5 करोड़, तीसरे हफ्ते में 56.1 करोड़ और चौथे हफ्ते में 24.4 करोड़ की कमाई की। वहीं अब ये फिल्म रिलीज के 5वें हफ्ते में एंट्री कर चुकी है। इसी के साथ कल्कि 2898 एडी की रिलीज के 30वें दिन यानी कि 5वें फ्राइडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल्कि 2898 एडी ने रिलीज के 30वें दिन यानी कि 5वें शुक्रवार को 1.25 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ कल्कि 2898 एडी का 30 दिनों का कुल कलेक्शन अब 625.10 करोड़ रुपए हो गया है। कल्कि 2898 एडी बेशक सिनेमा घरों में अभी भी दर्शकों को खींच रही है, लेकिन फिल्म को रिलीज हुए एक महीना हो गया है और अब इसकी कमाई की रफ्तार भी धीमी पड़ती जा रही है। ऐसे में घटती कमाई के साथ कल्कि 2898 एडी के लिए शाहरुख खान की साल 2023 की ब्लॉकबस्टर जवान के भारतीय लाइफ टाइम कलेक्शन 643.87 करोड़ के कलेक्शन को तोड़ना मुश्किल होगा। हालांकि कल्कि 2898 एडी को जवान को मात देने के लिए अब बस 18 करोड़ की जरूरत है, लेकिन प्रभास स्टारर फिल्म के लिए ये आंकड़ा छूना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वहीं अब सिनेमा घरों में डेडपूल एंड वुल्वरीन भी रिलीज हो चुकी है। ऐसे में कल्कि 2898 एडी के लिए आगे की राह काफी मुश्किल हो गई है। वहीं अब बात करते हैं फिल्म सरफिरा की, तो फिल्म सरफिरा ने पहले हफ्ते में 18.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया। दूसरे सप्ताह में कमाई सिर्फ 3.8 करोड़ रुपए रही। तीसरे सप्ताह में तो फिल्म की हालत खस्ता हो चली है। शुक्रवार 15वें दिन इस फिल्म ने महज 20 लाख रुपए का ही कलेक्शन किया। सप्ताहांत में भी इसकी हालत सुधरती नजर नहीं आ रही है। शुरुआती आंकड़ों में आज शनिवार को भी फिल्म का प्रदर्शन डामाडोल ही रहा। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सरफिरा ने आज शनिवार को सिर्फ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। अक्षय कुमार जैसे टॉप कलाकार की फिल्म का ऐसा कलेक्शन चिंता की बात है। फिल्म एक पखवाड़ा भी शानदार तरीके से नहीं बिता पाई। दर्शकों ने इससे पूरी तरह मुंह फेर लिया है। इस फिल्म का बजट करीब 85 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये अभी सिर्फ 23.04 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है। तो ये थी बॉलीवुड दिनभर से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना, अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते, फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और Android दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS एंड Android डिवाइसेज, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप।